हे दिस इज डिजिटल आलम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक लीडर किसे कहते हैं, मतलब एक लीडर होता कौन है, राइट? हम एक लीडर किसे मान सकते हैं? वेल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक लीडर किसे कहते हैं। एक लीडर वो होता है जो काफ़ी लोगों को लेकर चलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। जो लीडर को लीडर एक लीडर जो है और भी बहुत सारे लीडर को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग एक लीडर मानते हैं, राइट? जो सही समय पर सही काम को करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं। वेल, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक लीडरशिप के अंदर में जो क्वालिटी होती है क्या क्या होती है, किसे हम लीडर मान सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक व्यक्ति वही लीडर होता है जिसके अंदर एक मेंटरशिप कैपेसिटी होती है, मतलब अपने टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने साथ में जो टीम होती हैं, जो कॉरपोरेट में या फिर लोग होते हैं, वो सारे लोगों को मेंटरशिप देता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कहीं वो फंस जाता है, मतलब एवरीथिंग A to Z उसे प्लानिंग वो समझा के देते हैं कि वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कि मेंटरशिप दे सकते हैं, जिसे काम वो खुद उन्होंने वो काम को खुद किया हो, उन्होंने उस काम को खुद जिया हो। दैट इज़ कॉल्ड कि एक मेंटरशिप कैपेसिटी उसके अंदर में होती है, वो लोगों को दे सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कि लीडरशिप क्वालिटी, तो उसे हम लोग लीडर मान सकते हैं। एंड हियर इज़ द सेकेंड नंबर टिप, दैट इज़ कि टीम बिल्डिंग। डेफिनेटली एक लीडर वही होता है जो टीम बना सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है तो विदाउट टीम का तो मूव नहीं करती है, विदाउट टीम का तो वो अपने जो टारगेट है उसे वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसे चाहिए एक जो है टीम चाहिए, एक लोग चाहिए, राइट? कहते हैं ना जो है आपका एप्पल का जो सीईओ थे, फाउंडर थे, वो कहते थे ना कि आपका स्टीव जॉब्स की दुनिया में कोई भी अगर बड़ा सक्सेस होती है बिजनेस में तो वो एक अच्छे टीम के वजह से ही होता है, अकेला व्यक्ति बड़ा कुछ नहीं कर सकता है, राइट? तो एक टीम बिल्डिंग कैपेसिटी होती है एक लीडर के अंदर में, वो टीम बना सकते हैं, टीम बनाकर उसे लीड कर सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं टीम में। दैट इज़ कॉल्ड के टीम बिल्डिंग प्रोसेस उसके अंदर में होती है। तो एक लीडर बनने के लिए टीम बनाना और टीम बनाने की जो क्वालिटी है उसके अंदर में होनी चाहिए, उसे तब हम लोग एक लीडर मान सकते हैं। वेल, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, टीम बनाना चाहते हो, तो हमने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं इस चैनल पर, जिसे आप टीम कैसे बना सकते हो, लीड कैसे कर सकते हो, वो सारे क्वालिटी उसमें मिलेंगे आपको। हेयर इज द थर्ड नंबर क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट लीडर, या फिर एक लीडर जिसे हम मान सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है, दैट इज़ के डिसीजन मेकिंग। जो है कि अच्छे जो लीडर होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कब डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, ये उसके अंदर में होता है। एक लीडर हम उसी को मान सकते हैं, उसके अंदर में क्विक एंड फास्ट राइट डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है, और उस डिसीजन को वो जो है मतलब प्रूव भी कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल अ ग्रेट लीडर, राइट? वो ही एक लीडर होते हैं। तो ये डिसीजन, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आया, वो भी जो आम आदमी की तरह सोच रहे हैं कैसे होगा, लेकिन उसका कोई फाइनलाइज कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, राइट? तो ऐसा नहीं होता। एक लीडर वही होते हैं जो डिसीजन मेकिंग पावर ले सके एंड ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सके, नेक्स्ट स्टेप में लेके जा सके, और कोई भी प्रॉब्लम में फंसा उस प्रॉब्लम से निकल के एक नए पोजीशन में, एक नए गोल पे पहुंच सके, राइट? दैट इज़ कॉल अ ग्रेट लीडर। तभी एक लीडर हम मान सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है। एंड हेयर इज़ द फोर्थ नंबर क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट लीडर, दैट इज़ के पीपल मैनेजमेंट स्किल। जी हाँ, वो लीडर वही होता है, उसे ही लीडर कहा जाता है जो लोगों को मैनेज करना जानते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होते हैं। तो पीपल मैनेजमेंट स्किल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, एक लीडर के अंदर में होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, डेफिनेटली इस स्किल को आपको डेवलप करनी पड़ेगी, इसे लर्न करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसे आप सीख सकते हो, राइट? ये कर करके प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इसे आप सीख सकते हो। तो पीपल मैनेजमेंट स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ ग्रेट लीडर, टू हैंडल द टीम एंड टू रीच देयर गोल्स, टू रीच देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, राइट? वहाँ तक अगर पहुँचने के लिए आपको लोग, क्योंकि लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो इस स्किल को आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आप जो है एक अच्छे लीडर कहलाएंगे, तभी लोगों को लेकर आप लीड कर सकते हो। एंड फिफ्थ नंबर क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट लीडर, दैट इज़ इंस्पायरिंग। लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, यू कैन डू इट, राइट? लोगों को इस तरीके से इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जब भी लोग डिमोटिवेट होते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, और इवन अपने किए हुए काम से भी लोगों को इंस्पायर करते हैं, खुद पहले करते हैं। लीडर ऐसे नहीं कि बॉस की तरह नहीं होता है कि ऊपर से सिर्फ जो है प्रेशर देते हैं, नो, लीडर वही होते हैं जो खुद मार्केट में उस काम को करते हैं एंड लोगों को जो है उस तरीके से बताते हैं कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है।
एक लीडर वही होता है जो डेलीगेशन करना जानता हो कि कब कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, किस काम में अब खुद और टीम को लेकर इंगेज होना है, किस काम में नहीं होना है। हमेशा ऐसा नहीं कि लोगों ने समय मांगा उसे समय दे दिया, उन्होंने डेलीगेशन करना वो जानते हैं कि किस काम को कब करना है, कब कौन सा काम को टालना भी, किस व्यक्ति को टालना भी है, इस तरीके से टीम को मैनेज करते हैं। तो एक लीडर बनने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक होता है कि 7 नंबर क्वालिटी ऑफ इंकरेजिंग ऑलवेज पीपल्स, राइट, लोगों को हमेशा इंकरेजिंग करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, खुद किए हुए कामों के द्वारा लोगों को मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे टीम में ऐसे टीममेट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं जब टारगेट अचीव नहीं होता है, जब टारगेट पूरा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लोगों को इस बात का एहसास दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि यस यू कैन डू इट, राइट। और लोगों को हमेशा नेगेटिव टॉकिंग नहीं करते उसके साथ में, माने कि 5 काम दिया है, 4 काम बहुत अच्छा किया है लेकिन 1 काम नहीं दिया, तो यहाँ बॉस क्या करते हैं कि उसे नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन एक लीडर वही होता है जो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं कि जिस तरीके से आपने 4 काम किया है लाजवाब है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि इस काम को भी आप बेहतर कर सकते थे, इस तरीके से करेंगे तो बेहतर करेंगे। तो इस तरीके से एक अच्छे लीडर बनने के लिए सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। वेल दिस साइड डिजिटल आलम, मैं इस तरीके का बहुत सारे आपका जो है लीडरशिप के ऊपर ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो भी सजेशन है वो सारे जो है कमेंट में ज़रूर छोड़ कर जाइएगा। एंड इस तरह का बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, सारे वीडियो को देखिए और अपने लाइफ में जो 360 डिग्री का चेंजेस लेकर आइए।